ये आप नमस्कार। ये बताइए कि आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या है आप यहाँ पे। मेरा नाम पुष्पेंद्र शाह है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। बीएससी ग्रेजुएट करके 2021 में एमटीएस निकाले हैं और उसी के थ्रू हवालदार पोस्ट में आए हैं। ये बहुत बढ़िया पोस्ट है और 2 महीने से काम कर रहे हैं। अच्छा मज़ेदार अच्छा पोस्ट, अच्छा मज़ा है। बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है। हमारे जो सीनियर्स अच्छा, हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव है क्या? अच्छा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार भी करते हैं, बहुत काम अच्छा भी अच्छी तरीके से सिखाते हैं। और फर्स्ट पोस्टिंग मेरा एयरपोर्ट है, तो यहाँ की जैसे एयरपोर्ट पे, मतलब कौन एयरपोर्ट पे कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? हाँ, एयरपोर्ट सही जगह है, बहुत सही जगह है। यहाँ पे सब लोग अपने काम बहुत बढ़िया से करते अच्छा ये हैं। बताइए, यहाँ के कस्टम डिपार्टमेंट जो हवलदार का, उसका ड्यूटी क्या है? यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट में हवलदार का ड्यूटी जो है वो यहाँ के जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं उनकी उनको असिस्ट करना होता है, उनको हर काम में असिस्ट करना होता है। कभी कभी आपको कुछ पास वगैरह के लिए बनाना पड़ता है, कभी कभी आपको हैंड स्कैन में जाना पड़ता है, आपको स्कैनिंग भी करना पड़ता है कभी कभी, अगर उनकी मौजूदगी ना हो तो। आपको बहुत सारे पावर मिलते हैं, आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, एक तो बताइए, अभी हाल ही में 2022 वाला सीजल अति वो क्या बोलते हैं, एमटीएस हवलदार का वैकेंसी मतलब निकला निकला है था, जिसमें अब तो फाइनल मेरिट लिस्ट भी आउट हो गया है, तो उसमें बहुत सारे लड़के अभी हवलदार भी बनेंगे, तो क्या कहेंगे, वो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको एमटीएस से ज़्यादा अच्छा जगह ये हवलदार, अच्छा, एमटीएस से बेहतर है हवलदार? एमटीएस से बहुत बेहतर है, एमटीएस से अच्छा प्रमोशन है, एमटीएस से अच्छा काम है। आपको अगर चुनाव करना ही है एमटीएस और हवलदार में, तो मेरे 2 महीने या 2.5 महीने के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक कहना चाहूँगा, आप हवलदारी चूज़ कीजिए। अच्छा क्या है वो, क्या आधार है जिसकी वजह से आप कहना चाहेंगे कि एमटीएस से बेहतर हवलदार है? एमटीएस में आपकी प्रमोशन जो है वो बहुत स्लो होता है, हवलदार पोस्ट की प्रमोशन आपकी फास्ट है। ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, एमटीएस में आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो सुनिश्चित नहीं है, वो आपसे कुछ भी आपके ऑफिसर आपको करने को कह सकते हैं, पर हवलदार पोस्ट में आपकी जॉब प्रोफाइल सुनिश्चित है। और आप दूसरी बात है कि यूनिफॉर्म वाली जॉब है, यूनिफॉर्म की वजह से भी इज्जत यूनिफॉर्म तो रिस्पेक्ट है ही, मिलता है। यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप गर्व महसूस करेंगे जब भी यूनिफॉर्म पहनेंगे और जब भी बाहर जाएंगे। आप किसी को भी बोलेंगे यूनिफॉर्म जॉब इज़ ऑलवेज अ रिस्पेक्टेबल जॉब, और आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार।